तारीफ कैसे करूं तेरी मालिक, कारीगरी की अजब करतार है। दुनिया के लोग ये कहते हैं ऐसे, दुनिया के लोग ये कहते हैं ऐसे, यहाँ बना नैहर या वहाँ ससुरार है। छूट जाए एक दिन नैहर नगरिया, ससुराल में तुझको जाना पड़ेगा। नैहर में गोरी बना ले रहनिया, साजन को एक दिन रिझाना पड़ेगा। मट्टी एक मोल अनमोल मोर मितवा, मट्टी एक मोल अनमोल मोर मितवा, मोल मिलावा। बोली तब नीक, बोली तब बाउर, बोली तब एगो माटी के भीतर वाला बोली, आई सब माटी के भीतर वाला सुनत बा। यही माटी में सारा गुण बा। हमनी का कही लगे भगवान, शब्द का अर्थ शब्द में ही छुपा रहता है। भगवान कोई है नहीं, भगवान सब लोग हैं, भगवान सब लोग हैं, आप लोग भी भगवान हैं। इसलिए भगवान है कि भग को, भगवान को अगर दो भाग में बांटते हैं तो भग धनवान होता है। भग माने होता है सृष्टि, और वान माने होता है चलाने वाला, हांकने वाला। सृष्टि को चलाने वाले कौन है? हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। दूसरी बात, भगवान में ही शरीर छुपी है, सबकी शरीर भगवान शब्द में ही छुपी है। कुछ हट करके हम बात कर रहे हैं, में पूरी शरीर छुपी है, सबकी शरीर छुपी है। कहेंगे कैसे शरीर छुपी है भाई? तो भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, वा, वा को जब संधि विच्छेद करेंगे तो व धन अ होगा, तो व से वायु और अ से अनल और न से नीर, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल गचित शरीरा। भगवान का अर्थ होता है शरीर। जिस राम को हम भजते हैं वो राम भगवान है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है वो राम, वो भगवान है। हमारे जैसा, आप जैसा शरीरधारी था, नहीं तो आप खुद सोच लीजिए कि एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, चार राम। ये राजनीति नकली राम पर राजनीति करने वाले कर रहे हैं, असली राम पर चर्चा नहीं करेंगे, इनकी जुबान ही नहीं खुलेगी, ये जान लें। एक राम घट घट में बोले, सबके अंदर है वो राम, और एक राम दशरथ घर डोले, वह भगवान है। जैसे हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, सब लोग भगवान हैं, उसी तरह से वह भी भगवान था। तो कहना है, मटिए में माया मिले, मटिए
मटी एक देवी देवा मटी एक देवी देवा मटी एक शक्ति इसी के अंदर मोह है मद है माया है मत्सर है ऋष्या है दाह है जलन है इसी में भक्ति है त्याग है तपस्या है योग है वैराग्य है सब कुछ इसी के भीतर है इसी में राम है जो सबसे न्यारा है सबसे न्यारा है वो राम जो असली राम है और इसी में रावण भी है विचार ही तो राम है विचार ही तो रावण है सोचना है कहीं दूर नहीं जाना है ना अयोध्या में वो राम मिलेगा न काशी में मिलेगा वो राम मिलेगा तो आपके भीतर ही मिलेगा उस राम को अपने भीतर ढूंढिए मटी मटी का इशारा करमात्मा माटी का हाथ गोड़ माटी का शरीर सब करता हमने करी लगा माटी का टुकड़ा लेके यानी पत्थर का टुकड़ा लेके छेनी मार मार के टाकी लगा लगा के हम मूर्ति तैयार कर देने जा वो मूर्ति खातिर के हमने माटी का घर यानी मंदिर बनवाई ले जा मंदिर बनवा के वो माटी के मूर्ति के उमा स्थापित करी ले जा स्थापित कह के तब का होला यही माटी का भीतर वाला मंत्र पढ़ेला और वो निर्जीव माटी का मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान करेला आ फिर यह माटी का हाथ गोड़ प्रसादियों चढ़ावेला वो माटी के मूर्ति के आ प्रसादी चढ़ा के बाट के खियबो करेला अपन हूँ खाला मैं करामात माटी के बा और कुछ बा ना जबले सजीव बा तबले सजीव बा आ जहिया निर्जीव हो गई तहिया ये माटी से तनी घृणा हो जाले कि जल्दी हटाव मट्टी में माया मिले हम गाए तो तनी कम साउंड रहे ठीक ना मट्टी में माया मिले मट्टी में भक्ति मट्टी एक देवी देवा मट्टी में शक्ति मट्टी से होला मेला जोल मोरे मितवा निश्चित आकार हो बस दो मिनट एक निश्चित आकार हो साकार मिट जाता है निराकार कभी मिटता ही नहीं है ये टेंट हाउस निश्चित समय पर फट जाएगा सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएगा पेड़ पौधे निश्चित समय पर ढह जाते हैं सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं ये शरीर भी साकार है एक दिन इसको भी सड़गल करके मिट्टी में मिल जाना है लेकिन जो शरीर के भीतर बोल रहा है उसका नाम परशुराम नहीं है परशुराम इस शरीर का नाम है पहचान के लिए भीतर जो बोल रहा है वो परशुराम नहीं है सबके अंदर यही स्थिति है तो इसलिए कहना है आखिरी में क्या
माटी का महका मीठा स्वामी जी बतावे हाँ गुड़ैया व गुड़ैया ही माटी में दिखावे रोल मोरे मीतवा मटिए से परशुका रोल मोरे मीतवा मूल मिलावा जमी मटिया